तो लो भैया साउथ के तरफ से एक और टीजर आ चुका है। इसकी माँ का जोर देखा जाएगा, सबको एक साथ ही छटके में पक्का डालेंगे, खेल खत्म। और इसका जो मेन कैरेक्टर होने वाला है द नेचुरल स्टार नानी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट और फाइनेस्ट एक्टर में गिना जाता है टॉलीवुड की तरफ से। तो वीडियो अगर इस टीजर पे थोड़ा सा नजर मारे तो जो मेन कैरेक्टर होने वाला है वो पुष्पा से रिलेट करता हुआ दिख रहा है, और जो मूवी का थीम होने वाला है वो KGF से मिलता जुलता लग रहा है। तो भैया ये तो सबको पता है कि पुष्पा और KGF ने कितनी तगड़ी कमाई की है हमारे हिंदी रीजन में, तो हो सकता है कि ये मूवी भी बहुत ही तगड़े रिकॉर्ड बना के चली जाए आराम से, क्योंकि जो बैकग्राउंड थीम और जो सब कुछ म्यूजिक से लेके हर एक चीज बिल्कुल एक गूजबम सा भर देता है हमारे अंदर जब हम इस टीजर को देखते हैं। तो वीडियो अगर नानी की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा चालाक है स्क्रिप्ट चूज करने में। उनकी पिछले सारी मूवीज को देख लो, उनकी जो स्टोरी होती है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है, और उनकी जो एक्टिंग है वो बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करते हैं, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया है द नेचुरल स्टार नानी। उनकी पिछली मूवी आपको याद होगी जो कि जर्सी थी, वो सुपर डुपर हिट थी, उसका हिंदी रीमेक भी आया था जिसको क्या ही बोलूं, बट वो जो ओरिजिनल जर्सी थी उसमें अगर उनकी एक्टिंग को देखोगे तो सच में आप बिल्कुल उनके फैन होके रह जाओगे। तो गुरु इसमें जो वॉइस ओवर किया है शरद केलकर ने किया है, और उनकी वॉइस की बात क्या ही करें सबको पता है। इस ट्रेलर को देखे और पिछले सारे साउथ के मूवीज को देखे तो एक चीज मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि साउथ की मूवीज जो कि रीजनल मूवीज हुआ करती थी वो अब रीजनल मूवी नहीं है, पैन इंडिया रिलीज होती है, और जो हमारी बॉलीवुड थी वो पैन इंडिया मूवीज बनाती थी, जो कि ऐसा फील होता है मुझे वो अब रीजनल मूवी बन के रह जाएगी। क्योंकि अगर बॉलीवुड अपने आप में डेवलप नहीं होगा, वो अगर रीमेक में रीमेक बनाते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड का फ्यूचर ब्राइट है। तो गुरु ये देख के थोड़ा सा बेकार लगता है कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार हैं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, ये सारे साउथ की मूवीज़ की रीमेक मूवी बनाते हैं, और जैसे अपने सल्लू भाई ही किसी की भाई किसी का जान जो उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ है वो भी एक रीमेक मूवी होने वाली है वीरम की, जो कि तमिल में पहली लॉन्च हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि यार इतने बड़े स्टार को रीमेक मूवी बनाना चाहिए, कुछ नया स्टोरी लेके आना चाहिए इनको और डेवलप करना चाहिए बॉलीवुड की, नहीं तो बॉलीवुड कहीं पीछे छूट जाएगी रीमेक मूवी बनाते बनाते। तो साउथ की मूवीज अगर पैन इंडिया रिलीज होगी तो इसका रीमेक तो बनने से रहा। तो गाइज अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना, इतना तो कर ही सकते हो।